बताए तो ये छोटा सा खर्चा हो जाएगा, 70 रुपये का आपका, 70 रुपीज़ का पड़ेगा ये पीस। ये कोई भी सीधा ऊपर से रखें और इसको ये चला दें, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे स्टिक भी हो जाएगा, इस तरीके साइज भी आती है, 120 रुपये की है शूज ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर तकरीबन 12 पेयर आपके रह सकते हैं, 100 वगैरह भी रह जाएगा और पानी भी यहाँ नीचे से निकल जाएगा। 60 रुपये का सिर्फ, 30 रुपये की पड़ेगी, 30 रुपीज़ है। और ये डबल स्पीड है, 2 स्पीड, क्वालिटी भी अच्छी से निकालते हैं, तो आधा गिरता है और आधा आपके मौजूद है। 130 रुपये पड़ेगा लंच बॉक्स के अंदर, 1150 रुपये का ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए, जिसको आप सलाद वगैरह बनानी हो तो इसके अंदर डाल के इसे कर लें। ये 4 मिल के एक गिलास बनता है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसमें। ये 1250 रुपये पड़ेगा, 6 प्लेट भी लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर बाउल भी दिया है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 850, उससे भी आप चला सकते हैं, ठीक है। ये रोटेट भी करता है, गोल घूमता भी। ये आपको पड़ेगा 850 सारी जगह, यानी इतनी सारी जगह में आएगी। ये आप हैंगर ले लें, इसके अंदर आप 2 कपड़े लटकाएं, ठीक है, और उसको जो सीधा खड़ा कर दो, सारे कपड़े जो सीधे आ जाए। प्राइस है 30 रुपये। यहाँ से आपने अंडा वगैरह बॉयल करते हैं, इससे आप उठा लें तो बिल्कुल ईजी भी, जहाँ टर्न करेंगे वो टर्न हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, आपके बाथरूम की सफाई अच्छी कर देगा। ये शॉर्ट्स देगा, ये सिर्फ शॉर्ट देगा और आपका चूल्हा जल जाएगा, लगा सकते। ये 120 बार, ये 120। ये देखिए, ये हमारे पास एक टॉय बॉक्स कहलाता है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आप बच्चों के खिलौने वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका स्पेस भी बहुत अच्छा देखें, और ये बड़े साइज में, ठीक है। ये आप अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए, इसके अलावा शर्ट वगैरह हो गई, और अलमारी के अंदर भी इस तरीके से आप रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज करके 2-3 इस तरीके से आप लगा दें तो आपके अलमारी के अंदर स्पेस भी बढ़ जाएगा और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होकर रह जाएंगी, जब जो चीज़ चाहिए उसके आप अंदर से निकाल लें, ठीक है। ये बड़ी साइज में 180 रुपये का है, इसमें छोटी साइज भी आती है, 120 रुपये की। ये भी हमारे पास अलमारी ऑर्गेनाइजर कहलाता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है आपकी अलमारी के लिए। ये अलमारी के अंदर आपकी स्पेस को बढ़ा देगा, बच्चों के कपड़े हो गए, आपके रुमाल हो गए, बनियान हो गए, दूसरी चीज़ आप छोटी मोटी चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, इसके अंदर ये चिप टीवी, आप अपने जो अलमारी का जो रॉड लगी हुई होती है ना अंदर, वहाँ पर आप ये लगा के इसको ऊपर खड़ा कर दें, इसके अंदर रॉड चली जाएगी और आपकी यूज़ खड़ा हो जाएगी, सही अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने भी अटैच हो जाएगा, मैंने भी अपने घर में लगाया, बच्चों के कपड़े वगैरह रखे हुए तो ना धोकर रह जाते हैं। ये आपको पड़ेगा 180 रुपये का, इसमें छोटा साइज भी मिल जाएगा, 120 रुपये का पड़ेगा छोटा साइज, साइज तो मतलब छोटा है, क्योंकि घर के अंदर हमारी छोटी है, तो छोटा साइज भी आप लगा सकते हैं। ये 120 वाला, ये 120 वाला, ठीक है। ये शर्ट ऑर्गेनाइजर कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी पैंटें और शर्टें वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इसके अलावा भी आइटम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 120 रुपये का। जीन्स ऑर्गेनाइजर कहलाता है, एक्चुअली उसको कहते हैं जीन्स ऑर्गेनाइजर, एक सब अच्छी क्वालिटी भी आती है, 150 रुपये की पड़ती है। लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर है, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, अंदर जो आपका मेकअप वगैरह का सामान है ना वो रखने के लिए बना हुआ। ये देखें, इसके अंदर आपकी जो लिपस्टिक वगैरह है इसके अंदर वो लगी हुई है, इसके अलग से पॉकेट पोर्शन, पोर्शन बने हुए हैं, जो पोर्शन बने हुए हैं इसके अंदर छोटे छोटे, या लिपस्टिक हो गई, या आपके फेस वॉश हो गए, या मेकअप के ब्रश वगैरह हो गए, वो आप इसके अंदर रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 150 रुपये का। ऑर्गेनाइजर है, घर के अंदर आप जो आपके एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह जो होते हैं आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, फोम वाला है शूज़ ऑर्गेनाइजर, इसके अंदर तकरीबन 12 पेयर आपके रह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पोर्शन बन जाते हैं ये, ठीक है, एक एक पोर्शन इस तरीके से पोर्शन बन जाते हैं, तो ये इस तरीके से आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं। इसका वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह। ये फोम वाला है हमारे पास, 250 रुपये का पड़ेगा, इसमें ब्राउन कलर भी मौजूद है और ग्रे कलर भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ये 250 रुपये का पड़ेगा। राउंड शू ऑर्गेनाइजर है, ये राउंड वाला है, ये भी शूज रखने के लिए, इसमें तकरीबन 16 आपकी पेयर आ जाएगी, 16 पेयर, ये आपको पड़ेगा 200 रुपये का। ये ओवन कवर है, पहले जो आपको दिखाया था वो लोकल वाला था, ये इम्पोर्टेड में, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी, वो हल्की क्वालिटी था, वो लोकल बना हुआ था एक्चुअली, ये इम्पोर्टेड है। ये आपको मिल जाएगा 150 रुपये, इसमें ओवन कवर 150 का और फ्रिज कवर 200 रुपये का। ये बाथरूम में लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजर है, ये आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं और ट्रैवलिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ब्रश वगैरह रख लिया, आप फेस और दूसरी चीज़ें जो फेस वॉश वगैरह रख के आप ट्रैवलिंग पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 250 रुपये का। ये देखें, बच्चों का यू ब्रश कहलाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रश वगैरह सही तरीके से मुंह में कर नहीं पाते, तो ये इस तरीके का शेप दे दिया है कि बस ये मुंह में रखे और गोल घुमाते रहे, ठीक है। इसकी भी आप वीडियो देखें तो पता चल जाए किस तरीके से इसका इस्तेमाल है। ये आपको पड़ेगा सिर्फ 50 रुपये। ये छोटा सा कटर है, मिर्ची कटर कहलाता है, अक्सर जो लेडीज़ होती है उनके हाथ में जब मिर्ची वगैरह काटते हैं तो जलन सी महसूस होती है, तो ये सिर्फ आपने अंगूठे में पहना
ठीक है। और इसके साथ दूसरे भी इसके बलून जो उंगलियों में पहन के आप इससे मिर्ची वगैरह काटनी हो या दूसरी चीज़ अगर आप काटते हो तो सब काट सकते हैं। छोटा सा इसमें कटर दिया हुआ, ये 120 रुपये पड़ेगा। बच्चों का नी पैड, छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो घुटनों के बल चलते हैं ना, ठीक है। ये घुटनों के बल चलने के लिए ही आप इसके घुटनों पर पहना दें तो ये इंशाल्लाह आपके बच्चों के घुटनों में दर्द भी नहीं होगा और ये पहन के चलेगा इजीली बिल्कुल, ठीक है। 120 रुपये का पड़ेगा ये पेयर है, 120 रुपये से कलर भी मिल जाएगा। ये सॉफ्ट डिश है बाथरूम वगैरह में या कहीं बेसन के बाद स्टिक करने के लिए, ये आपका स्टिकर है, ये चिपक जाएगा आपके टाइल पे, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें स्टिक हो जाएगा, ये पीछे लग जाएगा ऐसे, जैसे लग गया इसके और चिपक जाएगा। साबुन वगैरह रखने के लिए आपको ईजी है, इसके अंदर साबुन वगैरह भी रह जाएगा और पानी भी यहाँ नीचे से निकल जाएगा, आपका साबुन घुलने से भी बचेगा, उसकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी आपके साबुन की। जहाँ साबुन 15-20 दिन चलता है वहाँ पर महीना भर चलेगा इंशाल्लाह। ये आपको पड़ेगा 150 रुपये की। ये मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर भी हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखिएगा। बाद अवत ऐसा होता है कि हमारे जहाँ पर चार्जर लगाना होता है वो जगह ऊपर होती है, सॉकेट वगैरह ऊपर लगे हुए होते हैं, तो ये सॉकेट के बराबर में लगा दें, ये देखें इस तरीके से डबल स्टिकर से लग जाएगा, ठीक है। और अपना मोबाइल लग जाए, नीचे से चार्जिंग पिन इसके अंदर लगा दें, इसमें मोबाइल भी लगा सकते हैं, रिमोट वगैरह भी लगा सकते हैं, इसमें भी कलर आपको मिल जाएंगे अलग अलग। और इसके अलावा अगर आप स्टिकर वगैरह ख़राब हो जाता है तो कील के जरिए भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं उसको। ये आपको पड़ेगा 60 रुपये का, सिर्फ 60 रुपये। ये देखें ये बच्चों का लॉक कहलाता है। अक्सर ऐसा होता है घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं दरवाजे खोल तो लेते हैं, जब इसे बंद करने लगते हो तो उंगली आ जाती है, ठीक है। तो ये लॉक है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपने अपने दराज के अंदर लगा दिया, इसके अंदर डबल टेप लगी हुई है, ठीक है। ये दराज के अंदर आपने लगा दिया और ये इसका लॉक है, ये देखिए, ये आपने ये निकल गया, ये दराज के अंदर लगा दिया आपने, जब बंद करना हो इसको आप इस तरीके से दराज में लगाओ तो ये दराज आपकी लॉक हो जाएगी, दराज खुलेगी नहीं, ये देखिए ये लॉक हो गया, ये दराज आपकी खुलेगी नहीं। ये 50 रुपये का एक पीस पड़ेगा, इससे आपके बच्चे की हिफाजत भी हो जाएगी और आपकी अलमारी का अगर लॉक वगैरह ख़राब होगा तो ये लगा देंगे तो यानी कि ये लॉक भी हो जाएगा आपकी अलमारी, ठीक है। ये स्टार जाली कहलाती है, ये संग के अंदर रखी जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब सब्जियाँ वगैरह धोई जाती हैं या गोश्त वगैरह धोया जाता है तो उसके दर्रा जो है बेसन में चले जाते, बेसन बंद हो जाता, पानी खड़ा रहने लग जाता, मसले मसाले होते, तो ये आप जाली लगा लें पहले, ठीक है। ये देखें इसके अंदर सक्शन बने हुए हैं, ये आपके बेसन में चिपक जाएगी अंदर, जहाँ पे जब आपको जो चीज़ धोनी हो धो ले तो जितनी भी जो कचरा वगैरह होगा ना इसके ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। आप इसको उठा के फिर निकाल दें, ये सिर्फ 30 रुपये की पड़ेगी, 30 रुपीज़। एक कटर है हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है, ये खोल के ज़रा दिखा देता हूँ, एक कटर इसके अंदर मौजूद है, ये देखिए ये 3 कटर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये आप इस तरीके से लगा के, ये आपने मिसाल के तौर पे ये लगाया, ये से पीछे आ गया, इसके बाद आपने ये लगा दिया, ठीक है। आपको जो भी सलाद वगैरह बनानी है कोई भी चीज़ है ऊपर से रखें और इसको यूँ चला दें, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे स्टिक भी हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको दबा देंगे तो चिपक भी जाएगा आपकी टॉप पे, जो बेसन वगैरह उसकी किचन की जो टॉप होती है ना उसमें चिपक जाएगा, ये बेहतरीन है। आपको सलाद वगैरह बनानी है देखिए इस तरीके से आपकी सलाद बन जाएगी, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इस तरीके से सलाद बन जाएगी, खीरा हो गया आपका, इसके अलावा दूसरी छोटी मोटी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 1250 रुपये का। ये हमारे पास कैनवुड का बीटर है, ये आपको पड़ेगा 1650 रुपये का। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें आजकल बहुत घरों में इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग वगैरह के लिए, कचड़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और इसके अंदर स्पीड भी डबल है, 2 स्पीड है इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे आते हैं डंडे जिसके अंदर बीटर आते हैं, ये देखें ये 1 स्पीड है और ये डबल स्पीड है, 2 स्पीड, और क्वालिटी भी अच्छी है, शिकायत कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बेचे हैं, कोई शिकायत नहीं, बहुत बेहतरीन थे, तो बल्कि कस्टमर आते हैं रिपीट लेके जाते हैं और रीसेलर भी इसको सेल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट लेने आ रहे हैं कि भाई ये एक कस्टमर को दिया था, उन्होंने रिव्यूज अच्छे दिए तो दोबारा मुझे दे दे। इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 1650 रुपये की पड़ेगी। सर्दी का मौसम आ रहा है, एक कॉफ़ी बीटर है सेल वाला, सेल ऑपरेटेड, ये आपको पड़ेगा 180 रुपये का, 180 का जी। इसका घरों के अंदर शहद इस्तेमाल किया जाता है तो जब बोतल से निकालते हैं, चमचों से निकालते हैं तो आधा गिरता है और आधा आपने जिस चीज़ में डालना होता है डालता है, तो ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। ये आप अपना शहद जो है ना इसके अंदर भर लें,
फिल कर लें, यहाँ से ऊपर से ढकना खुल जाएगा, इसको फिल कर लें शहद को, ठीक है, उसको टाइट करके रख दें। जब आपको जिस भी चीज़ में डालना हो ना, तो फिर आप खाली आपने उठाया और मिसाल के तौर पर चाय में डालना है, दूध में डालना है, खाली आपने ये बटन प्रेस करना है, आपका शहद यहाँ से निकल आया, ठीक है, तो गिरने से ज़ाया होने से बच जाएगा। शहद ये भी महंगा आपको पता, और बहुत महंगा चल रहा है, तो ये ज़ाया होने से आपको बच जाएगा, ठीक है। ये आपको पड़ेगा सिर्फ 400 रुपये, बच्चों के लिए लंच बॉक्स है, ऑफिस में भी ले जाते हैं, और इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल में भी ले जाएं, ऑफिस में अगर हम जैसे हो बातों का घर से खाना वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें लेकर आ जाए, तो बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ, इसके अंदर कलर भी मौजूद है। 130 रुपये पड़ेगा लंच बॉक्स के अलावा, इसके अलावा ये भी बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच बॉक्स है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत हमारे पास चला है, हमने जब इसे बेच रहे हैं ना बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए इसका छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है, एक छोटा बॉक्स भी है, चम्मच भी है और कांटा भी दिया हुआ है, इसके अंदर 180 रुपये पड़ेगा, इसके अंदर कलर भी मिल जाएगा। घर के अंदर अगर फ्राइज वगैरह बनानी हो तो पोटैटो चिप पर ये बहुत ही अच्छा है, स्टील का बना हुआ, ये आलू की फ्राइज वगैरह बनाना, बच्चे अक्सर जिद कर रहे होते हैं बाहर के, आपको पता है कि तेल वगैरह का बहुत इशूज होते हैं, ठीक है, तो घर के अंदर अपना अपने ही मतलब यदि आलू से बनाए और अपने ही तेल से अच्छे वाले तेल से बनाए, बच्चों को खिलाए, उनकी सेहत की हिफाजत करें, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 1150 रुपये का। हीटर है ये भी बहुत आजकल इन है, क्योंकि आजकल जो छोटी बच्चियां होती हैं ना आजकल बेकिंग का सीख रही होती है, कोई पिज़्ज़ा बनाना सीख रहा है, कोई केक बनाना सीख रहा है, तो ये ज़्यादातर केक वगैरह को जब वो बनाती है तो उसको बीट करने के लिए अक्सर चाहिए होता है, अंडे वगैरह और दूसरी चीज़ें होती है ना उसको बीट करने के लिए चाहिए होता है। इसमें 7 स्पीड है, 7 किस्म की स्पीड दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 850 रुपये का। ये होगा एक जार, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए, ठीक है। ये बटन दबाएंगे ये खुल जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी ड्राई फ्रूट रख लें या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब ख़राब हो जाती है बाहर रखने से, नरम हो जाती है, उसके अंदर आप रख देंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ऐसे ताज़ा और ख़स्ता रहेंगे। ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 450 रुपये। इसकी वीडियोज भी चल रही हैं, 2500-3000 रुपये का बस मिल रहा है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी और बहुत बिल्कुल नया कटर है, ये नए स्टाइल का कटर है। वैसे तो बहुत सारे कटर आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल नए स्टाइल का। ये देखिए ये यहाँ पे आपका लग गया, ये लॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे पीछे लग गया, ये आइटम है जिसको आप सलाद वगैरह बनानी हो तो इसके अंदर डाल के इसे कर लें। ये देखिए उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो ना मतलब यानी कि स्टाइल बन जाते हैं इसके अंदर दिए हुए, इसके रिसेप्शन दिए हुए कि किस तरीके से आपको, ये देखें सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है डिटेल, किस किस तरीके से इसको काटा जाता है इसके अंदर, यहाँ चेंजिंग के लिए यहाँ पर इसकी ब्लेड चेंजिंग के लिए ये दिया हुआ है सारा सिस्टम है, ठीक है। इसके आप वीडियो देखेंगे नेट पर तो आपको पता चला है किस तरीके से कौन सी चीज़ काटती है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 1300 रुपये का। गिलास है, ये भी बहुत खूबसूरत गिलास है, ये देखें ये 4 मिल के एक गिलास बनता है, ये देखिए ये गिलास उन्होंने बन गया, ठीक है। लेकिन ये 4 पीस अलग अलग है, 1, 2, 3 और 4, ये शोपीस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ठीक है कभी कोई मेहमान वगैरह आए तो उनके सामने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों वगैरह में, ठीक है। ये देखिए ये खूबसूरत सा गिलास बन गया, बाहर देखने में एक गिलास लग रहा है लेकिन ये 4 गिलास, ये आपको पड़ेगा 500 रुपये। ये स्नैक प्लेट कहलाती है, ये बच्चों की फ्राइज वगैरह रखने के लिए, इसके अलावा जो केचप वगैरह होती है अब यहाँ पर रख लें या मेहमान वगैरह कभी घर पर आते हैं तो उनके सामने कुछ चीज़ देनी हो खाने पीने के लिए तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 180 रुपये की पड़ेगी, 2 पीस का सेट है, ये 2 पीस का है, ये 2 पीस का सेट है। आजकल का ग्राइंडर है हमारे पास, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी और ये आपका जो वो करने के लिए पीसने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत बेचे हैं वीडियो चलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। ये 1250 रुपये पड़ेगा। पास पावर रेजिस्टेंट जिम बेल्ट कहलाता है, ठीक है। जो लड़के आजकल जिम वगैरह में जाते हैं ना उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि ये बॉडी बिल्डिंग के साथ ये जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये इसके बेल्ट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं।
ठीक है, ये एक्सरसाइज के इसमें लिखी हुई भी है कि किस किस तरीके से क्या क्या मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज लिखी हुई है इसके अंदर भी, ये एक ब्रोशर दिया हुआ है इसके अंदर भी सारी एक्सरसाइज लिखी हुई है, ठीक है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना, ये आपको पड़ेगा 800 रुपये का कटर है। ये भी बहुत अच्छा कटर है, बिल्कुल नया है बना हुआ है, इसके अंदर अलग अलग किस्म के ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, आप 1 2 3 4 5 6 ब्लेड भी लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके अंदर बाउल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पड़ेगा 850 रुपये में। ये बनाने के लिए काम आता है, ये देखें इसमें दिखा दें, ये देखें पिलर भी इसके साथ दिया हुआ है और ये कटर इसके साथ दिया हुआ है, 850 रुपये। ये ज्वेलरी बॉक्स है हमारे पास मिरर वाला, इस तरीके से ये देखें यहाँ पर मिरर लगा हुआ ऊपर, ठीक है, और ये ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ट्रेवलिंग में ज़्यादातर लेडीज़ इस्तेमाल करती है, ये बाज़ अवकात यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप छोटी छोटी जो उनकी चीज़ें होती हैं ज्वेलरी वगैरह की वो इसमें रख सकती है इजीली। चार पोर्शन है, 1 2 3 4 पोर्शन में मिरर लगा हुआ है, ये आपको पड़ेगा 450 रुपये ट्रेवलर ज्वेलरी बॉक्स। इसके अंदर ये देखें बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी अंगूठियाँ वगैरह ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, ये देखें अंगूठियाँ वगैरह आप इसने में रख ली और छोटी छोटी जो ज्वेलरी होती है इसमें रख लें और उसको लटका भी सकते हैं, ये देखें कहीं हैंग करना चाहते हैंग भी करें, ये भी 450 रुपये का पड़ेगा, कहलाता ही एक्चुअली। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें नॉर्मल क्वालिटी वाला भी शायद मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये इसका पोर्शनिंग यहाँ पर रखा, ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसमें आप अपना बर्तन वगैरह धोने का लिक्विड है ना, आप लिक्विड भर के उसको रख लें, बस सिर्फ ये जहाँ पर रखा होगा वहाँ से सिर्फ उठाना है और बटन को प्रेस करना है, यहाँ से आपका लिक्विड निकल आएगा आपके बर्तन पर, आप जो साफ कर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये 400 रुपये का पड़ेगा। से बर्थडे वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये स्टार मास्टर कहलाता है, ठीक है, ये इसके अंदर लाइट होती है, जब इसको जलाते हैं ना तो आपकी जो दीवारें होती हैं ना अंधेरे के अंदर दीवारों के अंदर ये जो स्टार वगैरह बने हुए हैं ना, ये देखिए ये इसमें दिखा, ये सब डिज़ाइन इसमें बने हुए आते हैं और ये गोल राउंड घूमता भी है, ये बैटरी से भी चला सकते हैं इसको और इसके साथ केबल भी दी हुई, केबल के थ्रू चला सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल पैक है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर बैटरी भी लगा के इसको चला सकते हैं और इसके अंदर इसकी एक केबल भी दी हुई है, अगर कोई आपके पास मोबाइल का चार्जर वगैरह हो या पावर बैंक हो उससे भी आप चला सकते हैं, ठीक है, ये रोटेट भी करता है, गोल घूमता भी, ये आपको पड़ेगा 850 रुपये। खुला मशीन है, आइस क्रेशर, बहुत ही डिमांडिंग आइटम है हमारे पास ये और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, पहले भी हमारे पास आया था ख़त्म हो गया था, अब दोबारा आया है, ये आपको पड़ेगा 950 रुपये का, और मैंने भी घर में इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मेरे भी घर में कैक्टस रिचार्जेबल कैक्टस है, ये चार्ज भी हो जाता है और जो इसको बोलते हैं ये बोलता भी है और अपने इसमें वॉइस भी मौजूद है, हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह और कुछ सॉन्ग इसके अंदर मौजूद है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा आई है, इसकी आप वीडियो देखी होगी, आपने नहीं देखी तो यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, कैक्टस कहलाता है, रिपीट वॉइस वाला और इसमें वॉइस भी रिपीट होती है, जो आप कहेंगे वो दोबारा आपको बोल के बताएगा, ये आपको पड़ेगा 1150 रुपये का। बहुत ही अच्छा आपके किचन के लिए ये पीस है क्योंकि इसके अंदर देखें आप अपने मसाले वगैरह भी रख सकते हैं, इसके ऊपर जो आपके जो ऑयल वगैरह की बोतल्स वगैरह दूसरी छोटी मोटी बोतल वो रख लें, ये आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ा देगा, ऑर्गेनाइज होकर भी आपकी चीज़ें रह जाए किचन की खूबसूरती को बढ़ा देगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है, ये देखिए ये आपको दूसरी जगह पर 1250-1300-1500 रुपये का मिलेगा, ये हमारे पास आपको मिलेगा सिर्फ 950 रुपये का, 950 जी। ये स्टील हैंगर है, ये भी अलमारी के अंदर आपके जो पेंट वगैरह हो गए, आपके कपड़े हो गए, लेडीज के कोई स्टॉलर वगैरह हो गए, ये रखने के लिए स्टील का बना हुआ है, ये आपको पड़ेगा 250 रुपये का। अरे आपकी जो टाइयाँ वगैरह होती है आप इसके अंदर लगा सकते हैं, छोटे छोटे उसमें वो दिए हुए हैंगर दिए हुए, ठीक है, ये आपको पड़ेगा 250 रुपये का। कपड़े वगैरह छोटे मोटे कपड़े सुखाने के लिए, छोटे मोटे कपड़े होते हैं उसको सुखाने के लिए आपके पास हैंगर है, ये आपको पड़ेगा 200 रुपये का। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये 9-hole हैंगर कहलाता है, आपकी अलमारी के अंदर हैंगर जो होता है ना, अगर आपने 9 hanger लगाए हैं तो आपका स्पेस इतना बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 hanger इतनी सारी जगह यानी इतनी सारी जगह में आएगी, ये आप हैंगर ले लें इसके अंदर आप 9 कपड़े लटकाएं, ठीक है, उसको जो सीधा खड़ा कर दो उस सारे कपड़े जो सीधे आ जाए, यानी आपकी अलमारी का स्पेस बढ़ जाएगा, जहाँ पर इतना सारा स्पेस चाहिए होगा वहाँ ये कम करके छोटा कम कर देंगे, या फिर कपड़े जो नीचे तक लटक जाएंगे, और सिर्फ इसके प्राइस है 30 रुपये आता है। इसमें भी आप अपने टाई वगैरह स्टॉलर वगैरह बच्चों के जो होते हैं वो रख सकते हैं, ये देखिए इसमें सारी चीज़ें रख कर दिखाई गई, ये सारी चीज़ें आपकी जो ना स्पेस सेवर चीज़ें हैं, आपकी स्पेस बढ़ा देंगी, यानी कि आपके खर्चे को कम कर देंगी,
बताए तो ये छोटा सा चीज है, लेकिन ये आपको जो बड़े काम की चीज है, छोटी छोटी चीजें बड़े काम की होती है। ये देख ले, इसके साथ ये भी है हमारे पास, ये आपने अपने पैंट वगैरह लटका दी या कपड़े लटका दिए, दुपट्टे लटका दिए, इसके अलावा छोटे छोटे स्टॉलर वगैरह भी लटका दिए, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 80 रुपए का। स्कार्फ हैंगर कहलाता है, 15 होल स्कार्फ हैंगर। ये देखिए, इसके अंदर भी आप स्कार्फ वगैरह इस तरीके से थोड़ा सा करीब से दिखा देंगे तो पता चल जाएगा ये हैंगर वगैरह में स्कार्फ किस तरीके से लटकाने, क्या करना, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 100 रुपए का। ये एक स्पून है अंडा वगैरह उठाने के लिए, नूडल्स वगैरह उठाने के लिए, इसका लॉक है। यहाँ से आप अंडा वगैरह बॉयल करते हैं, इससे आप उठा लें, नूडल्स वगैरह उठा सकते हैं इससे, ठीक है। 120 रुपए का पड़ेगा। ब्रश है हर घर की जरूरत है कपड़े वगैरह धोने के लिए, 60 रुपीज़ का ईच पीस पड़ेगा आपको। ब्रश है हमारे पास, टॉयलेट ब्रश तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो बात ये है कि ये स्टिक हो जाता है, ये इसके साथ इसके स्टिकर दिए हुए, ठीक है, चिपक जाते हैं, ठीक है, और ये इसके साथ लग जाएगा, कहीं पे भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, इस तरीके से आपके बाथरूम में स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब निकालना हो तो ये ब्रश आपने निकाला, ठीक है, सफाई की आपने, फिर दोबारा इसमें रख दिया, लेकिन ये सफाई में देखें ये टर्न होता है, आगे पीछे अंदर जहाँ भी आपको सफाई करनी हो वहाँ पर पहुँच जाता है बिल्कुल ईजीली, जहाँ टर्न करेंगे वो टर्न हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, आपके बाथरूम की सफाई अच्छी करेगा। ये आपको पड़ेगा 250 रुपये का, 250 रुपये। सर पहले हमारे घरों के अंदर आलू को जो ना हाथ से मतलब मैश किया जाता है, हाथ से, ठीक है, हाथ से मैश करने की जरूरत नहीं, आलू रखा और इस तरीके से आपने मैश कर दिया, आलू मैश हो जाएगा। ये आपको 120 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें, ये करेक्टर वाले गिलास है हमारे पास, 150 रुपए के पड़ेंगे बच्चों के हिसाब से पानी वगैरह पीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें, ये करेक्टर वाला हमारे पास मग है, आजकल बच्चे हर चीज़ में करेक्टर ही मांगते हैं, ठीक है, तो ये मग है चाय वगैरह पीने के लिए या दूध वगैरह पीने के लिए, ठीक है। 130 रुपए का ईच पीस पड़ेगा, इसमें कलर भी मिल जाएंगे आपको। इसका डीप सॉफ्ट होल्डर है, ये इस तरीके से आपको बन जाएगा, ये देखें, इसकी भी वीडियोस मौजूद है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। ये आपका साबुन को सेव कर देगा, ठीक है, बताया तो ये छोटा सा खर्चा हो जाएगा 70 रुपए का आपका, 70 रुपीज़ का पड़ेगा ये पीस, ठीक है, लेकिन आपका साबुन जो है ना इसकी ये नहीं समझ रहे उसकी मैयाद को बढ़ा देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी के अंदर साबुन रहेगा तो घुलता रहता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, जब इसको आप लगा देंगे ना तो ये जब यहाँ रखेंगे तो पानी इसका सारा नीचे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 70 रुपीज़ का, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें, ये हुक पट्टी है प्लास्टिक वाली, पहले आती थी जो स्टील की और दूसरी आती थी धातु की, वो उनको लगाना पड़ता था किलो से, अब किलो से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर स्टिकर दिया हुआ है, ठीक है। इसके स्टिकर से उखाड़ के कहीं पे भी आप लगा दें, टाइल पे लगा दें, मार्बल पे लगा दें, और इसके अंदर आपकी जो चीज़ें लटकाने की होती है घर की वो लटका दें, कपड़े लटका दें, इस पर जो स्पून वगैरह होते हैं किचन के अंदर वो भी लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सिर्फ आपको पड़ेगा 100 रुपीज़ की। ये किचन के हुक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है, आजकल बहुत डिमांड चल रही है इसकी, ये 100 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। हवा इसमें लव लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। बस बहुत सारे लाइटर ऐसे आते हैं जो गैस वाले होते हैं, अक्सर उसकी गैस खत्म हो जाती है, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गैस की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, सिर्फ देखें ये आप सिर्फ इसके बटन को दबाएं, ये यहाँ से ये शॉर्ट्स देगा, ये सिर्फ शॉर्ट देगा और आपका चूल्हा जल जाएगा, गैस वैस की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। 150 रुपये का पड़ेगा।